अंजड़ नगर से गुरुवार सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की बेटी और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म के ऊपर दिए गए विवादित बयान के कारण सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू जनमानस में आक्रोश खुलकर सामने आया है। विवादित बयान के कारण सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू जनमानस में आक्रोश खुलकर सामने आया है। तमिलनाडु सरकार के खेल मंत्री उदयनिधि के बयान के विरोध में अंजड़ के भाजपा के मोदी ग्रुप द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे व खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। वही उपस्थित मोदी ग्रुप द्वारा सनातन हिंदू समाज को समाप्त करने की चाह रखने वाले लोगों से इस्तीफा लेने और FIR दर्ज करने की मांग की है। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आज हमने पुतला दहन मोदी ग्रुप के तत्वाधान में किया गया है, जो कि एक सनातन धर्म के विरोध में जो बयान दिया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे उदयनिधि खेल मंत्री है, उनसे इस्तीफा लिया जाए बाप बेटे दोनों से, और सनातन धर्म की जय हो और हिंदू धर्म की जय हो, इससे पूरे भारतवर्ष में और अंजड़ नगर में आक्रोश है। मोदी ग्रुप FIR की मांग करता है संबंधित के खिलाफ मोदी ग्रुप FIR की भी मांग करता है और दोनों मुख्यमंत्री और खेल मंत्री दोनों से इस्तीफे की भी मांग करता है। आज तमिलनाडु के खेल मंत्री ने विवादपूर्ण बयान दिया है, हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया, उसके विरोध में यहाँ मोदी ग्रुप द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखाया गया है। किस प्रकार का रोष है उनके द्वारा बयानबाजी को लेकर? उन्होंने जो बयान दिया है हिंदू समाज और सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया है, उसके विरोध में पूरे अंजड़ नगर में और पूरे भारत में रोष है।